1941 में जापान वर्ल्ड वॉर टू में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानी कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके इसी की कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और चीजें तब ज्यादा खराब हो गई जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल मुश्किल हालात में गुजरे, लेकिन 1944 में कुछ हुआ जिसने होंडा की उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पे आकर गिरा। पूरे जापान के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुए जिसने जापान की कमर ही तोड़ डाली। इसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खोकर बैठा था। उसने अपने बचे कूचे असेट्स को टोयोटा को 4,50,000 में बेचे और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालात सिर्फ होंडा के ही नहीं बल्कि पूरा जापान क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी खराब हो रही थी, खाना पानी की किल्लत और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुश्किल था क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानी इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिससे वह वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट की समस्या सॉल्व की जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान और सस्ता हो जाएगा क्योंकि लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। तो जब उन्होंने यही इंजन एक साइकिल पे लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसे बिग लेवल पर कर सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पे इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्रायम्फ और हार्ली डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक था। इसीलिए उसने अब स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो बाइक रेस में जाता और जीतने वाली बाइक्स के फीचर्स के बारे में रिसर्च करता। कुछ ही सालों में होंडा ने अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च करी जिसने 1962 इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक यह 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। अपनी जिंदगी के 62 साल गुजरने के बाद आखिरकार होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से ही लिए बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने उनको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान अपना बिजनेस जमा बैठी थी। वहां मार्केट में अपनी जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपना पहला पिकअप ट्रक T368 लॉन्च किया जो कि फेल हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई दर्जन डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल आज तक पूरी दुनिया में फेमस है। 1980 में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी हो गई। आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल्स, बोट इंजन्स, प्लेन इंजन्स और पावर टूल्स पर देखने को मिलता है। होंडा ने सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और फिर अगस्त 1901 को उनकी जिंदगी का यह सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उम्मीद है यह वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।